राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 815 हो चुकी है। लगातार आपको बता रहे हैं, राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 815 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं सामने। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने चालू कर दिए हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। राजधानी में परकोटा क्षेत्र के अलावा भी बाहरी कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही परकोटा क्षेत्र में लगातार महाकर्फ्यू जारी है। आपको बता दें, राजस्थान के कई जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। लगातार कोरोना का बढ़ता ग्राफ प्रशासन और सरकार की नींद उड़ा रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस प्रकार से राजस्थान में कोरोना पर काबू पाया जा सके। साथ ही दूसरी चिंता सरकार को, लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए भी सरकार लगातार व्यवस्था करने में जुटी है। प्रशासनिक अमला पूरा इस व्यवस्था में जुटा है। राजस्थान के कई जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उससे प्रशासन और सरकार की नींद उड़ गई है। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कुल पॉजिटिवों की संख्या 815 हो चुकी है। जोधपुर में किस प्रकार के हालात हैं, इसके लिए आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे संवाददाता सत्येंद्र मौजूद हैं। जी सत्येंद्र, किस प्रकार के हालात हैं जोधपुर में, क्योंकि ईरान से लाए गए व्यक्तियों को भी जोधपुर में रखा गया है, क्वारंटाइन सेंटर वहां पे बनाया गया है, उनमें से भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। साथ ही लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है जोधपुर में। जी बिल्कुल आशीष, जोधपुर की यदि बात करें तो जोधपुर के हालात दिनों दर बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। यदि अभी तक स्थिति देखें तो जोधपुर के तो 58 है व्यक्ति जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं देखें तो पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 7 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार द्वारा घर घर जाकर स्कैनिंग की जा रही है, उसी के तहत जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है उसके अंदर करीब 7 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों में से 5 कोरोना पॉजिटिव के मरीज स्कैनिंग के दौरान सामने आए। वहीं जो जोधपुर का एमडीएम अस्पताल है, वहां पर जो 2 व्यक्ति चेक करवाने गए थे और वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। वहीं यदि ईरानियों की बात करें तो यदि जैसलमेर की बात करें, जोधपुर की बात करें, वहां पर ईरानियों का आइसोलेशन सेंटर बनाकर रखा गया था। करीब जैसलमेर से 23 ईरानी है जिनको जोधपुर लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। वहीं जोधपुर के 29 ईरानी है जिनको जोधपुर लाया गया और उनका इलाज चल रहा है। जी सत्येंद्र, वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था है, कौन कौन से इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है, साथ ही कर्फ्यू के दौरान लोगों को किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने किस प्रकार की व्यवस्थाएं की है? यदि इसके ऊपर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जो भीतरी शहर है उसके अंदर पूर्णतया कर्फ्यू लगाया गया है, पूर्णतया उसका पालन हो रहा है। चाहे प्रत्येक गली हो, चाहे प्रत्येक मोहल्ला हो, वहाँ बैरिकेड लगाए गए हैं, उनको कैद किया गया है और जो आवश्यक सामग्री वो लोगों के घर तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। एक सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि जोधपुर के अंदर एक पुलिस का जवान भी कोरोना का संक्रमित आ गया है और 2 चिकित्सा कर्मी है वो भी कोरोना के पॉजिटिव सामने आए हैं। जी उसके अलावा जानना चाहूंगा कि जोधपुर में मंडियां हैं, मंडियों के क्या हाल है, क्या मंडियों में कारोबार हो रहा है, क्या किसान अपनी उपज लेकर वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है ये किसानों के लिए भी अहम समय है, क्या किसान अपनी उपज को लेकर मंडियों तक पहुंच पा रहे हैं? जी यदि इस पर बात करें तो किसान पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काफी हद तक किसानों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो सब्जी है वो किसान आसानी से आ ला जा सकता है, मशीनों पर भी सैनिटाइज की मशीनें लगाई गई है, लेकिन इस प्रकार से जो समर्थन मूल्य पर खरीद है उसकी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है और जल्द ये कार्य भी शुरू किया जाएगा। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सत्येंद्र, जोधपुर से लाइव जुड़े थे हमारे साथ में, जोधपुर की लेटेस्ट अपडेट इन्होंने दी थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, रुक करेंगे 19